ऋतिक बाबू के सुपर 30 फिल्म में इंस्पायर करने वाला फुल मसाला है। पटना टू नासा, इंजीनियरिंग का तमाशा, गरीबी अमीरी, इंग्लिश और हिंदी, शिक्षा की रफ्तार और बिहार की बहार। अरे वाह, ये तो कविता हो गया। सुपर 30 का कहानी पटना के मशहूर टीचर आनंद कुमार से प्रेरित है। अपने पर्सनल जिंदगी में अथाह गरीबी और हर दिन आत्मा दुखा देने वाला संघर्ष झेलने के बाद आनंद के पास एक ही शक्ति था, गणित का शक्ति। गणित में एक्स का वैल्यू निकालते निकालते ही आनंद कुमार को अपना वैल्यू पता लगा। एक वक्त आनंद पर खूब पैसा भी बरसा, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि उनका नॉलेज एक गिफ्ट है और इसके वैल्यू का लिमिट इन्फिनिटी है। पैसा के अभाव में गरीब बच्चा लोग का सपना कितना लिमिट हो जाता है, ये आनंद को अच्छे से पता था। ऐसे बच्चों का IIT का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला और हर साल 30 बच्चों को प्रिपरेशन कराने लगे। पहली बार में सारे 30 बच्चों का एंट्रेंस निकला और दुनिया को पता चल गया कि बिहार में एक आनंद कुमार हुए। ये तो हुआ कहानी। फिल्म का बात करें तो सारा कहानी स्क्रीन पर बहुत ड्रामेटिक दिखता है। अब पिक्चर में थोड़ा मोड़ा ड्रामा तो रहेगा ना, लेकिन कमाल तब हो जाता है जब आनंद का स्टूडेंट पार्टी एक बार बाहुबली का सिपाही बनकर युद्ध करने लगता है और जय माहिष्मती के जगह पर जय मैथमेटिक्स बोलकर भिड़ जाता है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? एक सीन में स्टूडेंट सबका पढ़ाई देखकर आपको टोनी स्टार्क का याद आ जाएगा। लगेगा कि टोनी के पिताजी हावर्ड स्टार यही नालंदा में पढ़ाई किए हुए थे। तुमको बहुत हंसी आ रहा है, कैमरा छुड़वा कर कैलकुलस पकड़ा देंगे ना, तय बोल जाओगे। लेकिन पिक्चर में मजेदार बात यही है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा होने के बावजूद आपको इमोशनल कर देगा। एजुकेशन में गरीबी अमीरी और हिंदी इंग्लिश का खाई कितना गहरा है, फिल्म में देखकर आप सेंटी हो जाएंगे। परफॉर्मेंस का बात करेंगे तो ऋतिक का एक्सेंट गड़बड़ तो है ही, मगर उनका अभिनय बहुत जोरदार है। आनंद के स्ट्रगल वाले दिन और इमोशनल सीन में ऋतिक का एक्टिंग देखकर आप एकदम गदगद हो जाएंगे। मृणाल ठाकुर का रोल बहुत छोटा है, लेकिन जितना है उतने में वो खूब जमती हैं। सबसे स्पेशल काम है पंकज त्रिपाठी का। बिहार के लाल पंकज भाई ऐसा कमाल किए हैं कि पूरी फिल्म में आप इंतजार करते रहते हैं कि कब उनका सीन आएगा। आदित्य श्रीवास्तव और बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट का काम भी शानदार है। सबसे कमाल काम है सारे बच्चों का, इनके सीन देखकर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं। सुपर 30 का बैकग्राउंड स्कोर बहुत कमाल का बनाया है सब, और पिक्चर का सारा गाना बहुत मस्त है, कहानी को बहुत अच्छे से आगे ले जाता है। कुल मिलाकर कहें तो सुपर 30 थोड़ा ड्रामेटिक तो है, लेकिन इसका कहानी इंस्पायर और इमोशनल बहुत करता है। ऋतिक का काम आपको पसंद आएगा। हमारे तरफ से सुपर 30 को 3.5 स्टार।